सीजे चंद्रचूड़ ने बताया, ऐसे में किसका चलता है ऑर्डर? सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है जजों की एंट्री? सीजीआई चंद्रचूड़ का दिखा अनोखा अंदाज। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पहचान एक ऐसे जज की है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कोर्ट में भी हंसते मुस्कुराते गंभीर बातें कह जाते हैं। अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाने वाले सीजीआई चंद्रचूड़ कभी कभी मजाकिया भी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार को काफी मजाकिया लहजे में दिखे। कोर्ट रूम में केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कई बार हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणियां की। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सोमवार को बार के सदस्यों को ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में बताया कि कैसे कोर्ट रूम में प्रवेश करते समय जज न्यायाधीशों से वरिष्ठता का क्रम बनाए रखने के लिए कहते हैं। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि क्या आप सीजीआई चंद्रचूड़ को शानदार जज मानते हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है जजों की एंट्री? सांसदों और विधायकों के रिश्वत मामलों पर फैसला सुनाने के बाद सीजीआई ने मामले में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन से कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है जिसे वे बार के सदस्यों के साथ साझा करें। सीजीआई ने कहा, अब मैं आपको थोड़ा अलग कुछ बताता हूँ। जब हम न्यायाधीश 5 या 2 या 3 की बेंच में बैठते हैं, जब हम कोर्ट रूम में प्रवेश करते हैं तो अशर हमें बताएगा कि अदालत के अंदर पहले किसे जाना है। उन्होंने बताया, कुछ कोर्ट में सीनियर पहले जाता है, कुछ कोर्ट में जूनियर पहले जाता है। 5, 7 और 9 जजों की बेंच में थोड़ा और जटिल हो जाता है, इसलिए जब हम 9 लोग इकट्ठा होते हैं और एक मुख्य अशर होता है जो कहता है पहले आप जाएंगे। सीजीआई ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी अशर के आदेश के अधीन उसी क्रम में खड़े होते हैं और हम उसी क्रम में अदालत में जाते हैं। आपके वकील पर भी कसा था तंज। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के कथित अतिक्रमण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान तीखी बहस के बीच भी उस वक्त कुछ हंसी मजाक देखने को मिला जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक दल की ओर से पेश नहीं होना चाहिए था। सीजीआई ने सिंघवी से हल्के फुल्के अंदाज में कहा, इस मामले में आपको पेश नहीं होना चाहिए था। आप दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए जमीन का विरोध नहीं कर सकते, आपको हमारा समर्थन करना चाहिए।